नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। फूलपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव से खबर आ रही है, जहां के रहने वाले कैसी बेगम पत्नी दीन मोहम्मद ने बताया है कि अपनी बेटी सुमायला के साथ ही आसिफ नाम के लड़के से की थी, जो कि थाना बिलरियागंज के अंडाखोर टिकरिया गांव का रहने वाला है। कैसरी बेगम ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि शादी के बाद उनका दामाद उनकी बेटी से मुंहमांगी दहेज की मांग करने लगा और दहेज न दे पाने की स्थिति में आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित भी करने लगा था, जिससे हताशा होकर पीड़िता ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद दामाद ने रंजीशन खुन्नस निकालने के लिए प्रार्थनी के मोबाइल पर ससुराल आकर मारने पीटने की धमकी देने का वह मैसेज भेजा और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास दमाल आसिफ और कुछ अज्ञात लोगों के साथ भी हमारे घर पहुंचकर वहां मौजूद परिवार के सभी लोगों पर चैन और राड से हमला कर घायल कर दिया और प्रार्थनी की सोने की चैन को भी छीन लिया, जिसके बाद घायल परिवार के लोग चिल्लाने लगे। काफ़ी शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहाँ मौजूद दमाल और उसके साथ की हमलावर मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। प्रार्थनी और उसके परिवार वाले काफी आहत हैं और काफी डरे सहमे हुए हैं। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? कैसरी बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़िया थाना फूलपुर। क्या मामला है? आप यहाँ आए हैं? हमारे घर पे भैया खड़े आए थे, घर में घुस के मार के सब चले गए। के मार के? लड़की की शादी किए हैं, वो लड़की थे करे दुश्मना लेके और हमारे पूरी परिवार का मार के सुताई थी सर। के? और लड़की का देवर। का नाम है? माजिद। आसिफ। अच्छा। आसिफ। थाने गए थे? हाँ, थाने पे कोनो सुनवाई हमारी नहीं थी। तो यहाँ क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते थे कि वो सब पकड़ के हमारे सामने मारे जाएं, हमारी घाव की मार वापस आ गई।